मैं पिछला सा मेहनत करके गया नेपाल पे, मैंने पहुंचा तो मुबारकबाद दे दूं। दिल्ली पहुंचा तो मारे भी टीवी में चलने लगा कि हरदोई में नरेश ने शराब बंटवाई है। एक सज्जन जो एमपी है वो सुधार, समाज सुधार करने लगे। हरदोई के प्रतिष्ठित डॉक्टर के रोज शाम को मजदूर शक्ति कौन कौन बैठता है आप लोग देख लीजिएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमसे लोगों ने कहा नरेश जी क्या ये हुआ, हमने बड़े घर में बारात हो तो काकटेल पार्टी, बड़े घर के में शराब पिलाई जाए तो काकटेल पार्टी, बड़े बड़े नेता उस काकटेल पार्टी में शामिल होते। पत्रकार बंधु में गलत तो नहीं कर रहा, हमारे पास भी दो तीन कार्ड रखे हैं कि काकटेल पार्टी मतलब शराब पीने की पार्टी का नाम काकटेल पार्टी, तो हम लोग भी रखते शराब पीने की पार्टी का नाम क्रोकोडाइल पार्टी, तो काकटेल तो हम क्रोकोडाइल, बड़ा पिए तो माफ और छोटा पिए तो गला काट दो। मैं उन सब नेताओं से कहूंगा आज फिर प्रधानमंत्री जी को लिख देना कि नरेश को फांसी पर लटका दिया जाए। उन्होंने दोबारा पिछड़ा वर्ग और पार्टियों को बुलाया, खाना बांटा, हो सकता कंबल भी बांट दे, क्या दिक्कत है हमको, ज्यादा पड़ रहा है। और पत्रकार बंधुओं को आज खाली डिब्बा हमारे सामने देख लेना, पता नहीं बाहर दो तीन बच्चों को लेके कौन घूमे रखते जाए के वैसे रखते, बुरी बात नहीं जाना भगवान। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो शराब की दुकानें खोली थी की गाँव गाँव शराब की दुकान खुली काहे के लिए, सरकार को चाहती जितना बिके उतना राजस्व सबको मिले। छोटा पिए तो बेईमानी और बड़ा पिए तो अमृत, हम इस परिभाषा को तोड़ने आए हैं। फिर अगर यही बात सबको है तो फिर उत्तर प्रदेश में नशाबंदी लागू कर दो जैसे बिहार में लागू की गई है, हम समझेंगे कोई शराब नहीं पिएगा। लेकिन उन लोगों को जो कहते हैं किसी दल में है गए हम किसी और गठबंधन के नाम पर, पता नहीं क्या